स्मार्ट सिटी में निर्माण के लिए सरकारी मकानों को हटाने गए अमले और जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा को लोगों के गुस्से का शिकार बनना पड़ा। मंत्री ने इस कार्रवाई को माकूल इंतजाम होने तक के लिए रुकवा दिया है। भोपाल में गेमन के पिछले हिस्से में तुलसी नगर चक्की चौराहे के आसपास बचे हुए 41 सरकारी क्वार्टर्स को हटाने गए स्मार्ट सिटी कंपनी के अधिकारियों को बैरंग लौटना पड़ा। स्मार्ट सिटी कंपनी के अधिकारियों ने अमले के साथ सरकारी आवासों और झुग्गियों को हटाने के लिए कार्रवाई शुरू की थी, तभी लोग उनके विरोध में मौके पर पहुंच गए। स्थानीय पार्षद अमित शर्मा का कहना था कि उनके एरिया में बगैर पूछे शिफ्टिंग कैसे शुरू की गई। इसके बाद मौके पर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा भी पहुंच गए, जहां मंत्री को लोगों के गुस्से से रूबरू होना पड़ा। मंत्री ने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को कहा कि चक्की चौराहा तुलसी नगर क्षेत्र के आसपास के सरकारी आवास कर्मचारियों से तब तक खाली नहीं कराए जाएं जब तक उन्हें उपयुक्त आवास नहीं दिए जाते। हम लोग बहुत त्रस्त हो चुके हैं, हम लोग मकान नहीं खाली करेंगे। अगर हमें हमारे मनपसंद मकान नहीं मिलेंगे, हमें पात्रता के अनुसार मकान नहीं मिलेंगे, हमें मकान नहीं खाली करेंगे। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, मंत्री जी ने कहा है कि आप लोगों को कुछ समय के लिए एस टाइप मकान दिए जाएंगे, आपको उसमें शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अगर वो भी हमें पसंद नहीं आए तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। कुछ मकान शिफ्ट होना है यहाँ से, जिससे काम की प्रोग्रेस हो सके। आई टाइप के इनको मकान अलॉट हो गए हैं जहाँ इनको जाना है, लेकिन वहाँ कुछ व्यवस्था ठीक नहीं है। तो इनका ये कहना है कि जब तक उसमें पूरा पीडब्ल्यूडी काम कर दे, व्यवस्था ठीक हो जाए। मुकुल गुप्ता जो संपदा के अधिकारी हैं उनसे भी मैंने बात की, और स्मार्ट सिटीज़ का कि जब तक इनकी पूरी सेटलमेंट वहाँ नहीं हो जाता है जहाँ नई जगह पर जाना है, तब तक आप इनको डिस्टर्ब नहीं करें, और दो चार दिन में हो जाएगा, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। इधर टीन शेड के आसपास 70 दुकानदार गुमटियों के अतिक्रमण से परेशान हैं। उनका कहना है कि सड़क और नाली निर्माण के लिए स्मार्ट सिटी कंपनी ने 3 लगा दिए, इसके अलावा यहां लगी गुमटियों को आगे खिसकाया गया है। वहीं प्याऊ और झंडा बंधन वाले स्थान पर नई गुमटियां काबिज हो गई हैं, जिसे देखने सुनने वाला कोई नहीं है। ये लोग इस मामले की शिकायत जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा, निगम आयुक्त से लेकर कलेक्टर तक से कर चुके हैं, लेकिन इनकी समस्या का कोई निराकरण नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।